गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड नाउ आई एम लीविंग फॉर माय फ्लाइट। तो अभी मेरी फ़्लाइट 5 o'clock की है। ये फ़्लाइट मैं पहले भी कर चुका हूँ, दिल्ली से डिब्रूगढ़ और फिर डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी और गुवाहाटी से बैक टू दिल्ली। तो ये चार्टर्ड फ्लाइट है। अभी टुडे इज 22 जनवरी, सैटरडे है आज और वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है दिल्ली में। तो अभी लास्ट टाइम तो डिब्रूगढ़ में विजिबिलिटी काफ़ी डाउन थी तो वी हैड टू होल्ड। तो अभी देखते हैं अपनी कैब में बैठ के कि वहाँ का वेदर क्या रिपोर्ट हो रहा है। तो चलते हैं, हम आज का वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज ये वॉचमैन पता नहीं छुट्टी कर गया लगता है। तो चलता हूँ, गेट खोलता हूँ। अभी गेट खोलता हूँ मैं, खुद ही वॉचमैन है नहीं यहाँ पे। आज पीछे देख सकते हैं आप, वेदर इज क्वाइट विंडी और बहुत ही सही वेदर हो रहा है। दिल्ली में हवाएं चल रही हैं एंड आई हैव रीच्ड एयरपोर्ट। अभी नॉर्थ ईस्ट का वेदर लास्ट टाइम की तरह डाउन है, फॉग रिपोर्टेड है जब हम वहाँ पहुँचेंगे। तो वी आर वर्किंग आउट कि हम क्या अपने ऑल्टरनेट्स लेके जाएंगे जो कि हमारे वेदर जहाँ पे ठीक हो अगर हमें डाइवर्ट करना पड़े। तो चलते हैं, फ्लाइट तो अभी होल्ड कर रखी है। तो लेट्स सी। अब चला जाए एयरक्राफ्ट की तरफ। तो आई हैव गॉट माय फ्लाइट प्लान चेंज्ड, अल्टरनेट एयरपोर्ट्स जहाँ पे वेदर ठीक है वो कंसीडर किया गया है। बट आई एक्सपेक्ट कि होल्डिंग वहाँ पे होगी एंड वी विल हैव टू वेट फॉर वेदर इम्प्रूवमेंट बिफोर वी कैन लैंड एट डिब्रूगढ़। अभी जैसे वेदर डाउन वहाँ का रिपोर्ट हो रहा है इस वजह से बोर्डिंग होल्ड कर रखी थी और अब नया फ्लाइट प्लान है जिसके अंदर हमने अल्टरनेट्स कंसीडर करे हैं कि अगर वहाँ पे विजिबिलिटी इंप्रूव ना हो तो हम कहीं और जा सके। तो इस बेसिस पे फ्लाइट क्लियर कर दी गई है। वी आर गोइंग ऑन द कोच और बारिश हो रखी है बाहर। अभी तो इट्स रेनिंग और हवा भी काफ़ी चल रही है और बारिश भी हो रही है। तो अब चलते हैं एयरक्राफ्ट पे और फ्लाइट करते हैं अपनी। तो आज नाउ आई हैव लैंडेड इन डिब्रूगढ़ और विजिबिलिटी यहाँ पे आज ठीक हो गया था तो इसलिए कोई डिले नहीं हुआ हमारा यहाँ पे लैंड करते हुए। और गुवाहाटी भी अब ठीक हो गया है विजिबिलिटी।
तो इसलिए गुवाहाटी जाने में भी अब डिले नहीं होगा हमारा। और आज यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी बाहर का व्यू दिखाऊंगा आपको। फॉग है यहाँ पे, लो लेवल की फॉग है तो काफ़ी अच्छा है। और जब दिल्ली से हम निकल रहे थे तो बारिश हो रही थी, और बारिश होने की वजह से काफ़ी क्लियर हो गया था स्काई। एंड इट इज़ प्रेडिक्टेड कि दिल्ली में अब ठंड कम होगी 2-3 दिन में बारिश होने के बाद। की तरफ चलते हैं, डिब्रूगढ़ मैंने पहले भी कवर किया हुआ है, और अब यहाँ से गुवाहाटी जाएंगे और गुवाहाटी चलते आपसे मिलेंगे और आपसे बात करेंगे। तो नाउ आई एम लैंडेड इन टू गुवाहाटी, और यहाँ से हमारा डिपार्चर 10:30 का है। अभी टाइम है 9:15, तो दिल्ली में क्लोजर है बिकॉज ऑफ रिपब्लिक डे, तो हम थोड़ा आराम आराम से यहाँ से निकलेंगे ताकि दिल्ली में कम से कम होल्डिंग करनी पड़े, और क्लोजर के बाद ही हम वहाँ पर दिल्ली में पहुँचे। काफ़ी शोर भी यहाँ पे ट्रैफिक है, तो हमारी प्लानिंग ऐसी रहेगी कि हम दिल्ली में क्लोजर टाइम के बाद ही पहुँचे, और फिर भी वहाँ पे डिलेज रहेंगे क्योंकि काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट आ रखे होंगे और सारे लाइन में होंगे, और एयर स्पेस का क्लोजर बंद होगा तभी वहाँ पे टेक ऑफ और लैंडिंग स्टार्ट होगी दिल्ली में। अभी ये गुवाहाटी का अराइवल एरिया, तो हार्डली एनी फ्लाइट्स आर देयर। अभी एक फ्लाइट आई है एयर एशिया की, और ये अराइवल हो रहा है। तो यहाँ पे एक बार अराइवल एरिया में ही हुआ है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही रहते हैं। पुराना ही लगा हुआ है नास असम, आई एम गोइंग टूवर्ड्स डिपार्चर गेट। तो अब यहाँ से एक क्लास बुक करेंगे, तो अभी यहाँ से धीरे धीरे पूरी एक्टिविटी रहेगी क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम है यहाँ से, और जल्दी जाने का फ़ायदा नहीं, डेली में हमें होल्ड करना पड़ जाएगा, तो बेकार में हम अननेसेसरली फ्यूल बर्न करेंगे। तो यहाँ पे पैसेंजर्स अपनी सेल्फी लेते हुए, तो चलते हैं हम अपने एयरक्राफ्ट बोर्ड करते हैं। और ये फोटोग्राफी और सेल्फीज चल रही हैं यहाँ पे। वी हैव लैंडेड इन टू दिल्ली। दिल्ली में वेदर काफ़ी सही हो रखा है, अभी रेन तो नहीं हो रही बट क्लाउडी है बिल्कुल, आसपास काफ़ी क्लाउड्स हैं। तो अभी चलते हैं और ट्रांसपोर्ट में बैठ के आपसे बात करते हैं। सैटरडे है, वीकेंड कर्फ्यू है, बट देख सकते हैं रोड पे ट्रैफिक काफ़ी है, और दोपहर के अभी 1:40 हो गए हैं। आज सूरज भी नहीं निकला, ठंड है काफ़ी बाहर, और क्लाउडी मौसम है। रिस्ट होम, तो अभी यहाँ लाइट ड्रिजलिंग हो रही है और दोपहर के 2:15 हो गए हैं, तो अब चलेंगे रेस्ट करेंगे। धूप निकलने का तो सीन लग नहीं रहा आज, और आज का काम का दिन भी ख़त्म हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल दीपक महिंद्रता व्लॉग्स। Thank you for watching and thank you for your support. Bye bye. Take care.